हमेशा दिखेगी आपको एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स की अनदेखी ताकत, जो मजबूती दे रही है आपको, देश को। एपीएल अपोलो स्टील पाइप्स, देश की अनदेखी ताकत। बिलासपुर में हिम सुरक्षा अभियान के तहत लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है और इस सर्वेक्षण अभियान में 25 मरीज टीबी तथा 11 मरीज कोरोना के पॉजिटिव पाए गए। विभाग द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक हिम सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत कोविड-19, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि रोगों के लक्षणों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर मौखिक संवाद करके जानकारी हासिल कर रहे हैं। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग 500 टीमें गठित की गई हैं। इन टीमों में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य शिक्षक, स्वास्थ्य पर्यवेक्षक इत्यादि पैरामेडिकल कर्मी इस अभियान को अंजाम दे रहे हैं। उधर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर परविंदर सिंह ने कहा, जैसा कि आप जानते हैं कि हिम सुरक्षा अभियान हिमाचल गवर्नमेंट का एक ऐसा अभियान है कि जिसमें हम 5 बीमारियों के लिए लक्षण लोगों से पूछते हैं और लोगों के घर घर में जाके टीमें ये जो अपना सर्वे करती हैं। और ये जो वर्बल सर्वे था, इसमें अभी तक आज की डेट में हमने 70% की आबादी बिलासपुर की कवर कर ली है। और ये जो 70% की आबादी कवर की है, तो इनमें हमने से क्या क्या चीज़ें देखी हैं, तो एक तो हमने कोरोना के जो लक्षण वाले मरीज थे उनको पहचानना था, सेकेंडली हमने टीबी के लक्षण वाले लोगों को पहचानना था, और इन दोनों बीमारियों के जिनके जिनमें लक्षण है उनकी सैंपलिंग करवानी थी और उसमें से कितने केसेस आते हैं उनको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना था। तीसरा हमारा ये काम था इसमें कि जो ये जो लेप्रोसी है हमारी एक बीमारी, लेप्रोसी के पेशेंट तो नहीं है, हालांकि लेप्रोसी का इंसिडेंस हिमाचल में बहुत कम है, फिर भी ताकि लेप्रोसी को जड़ से ही ख़त्म किया जा सके, इसके लिए यह अभियान था कि अगर कोई भी एक या दो केसेस अगर कहीं पर हैं तो उसको पहचान पाएं। और तीसरे चौथे नंबर पे शुगर और पांचवें नंबर पे ब्लड प्रेशर, ये इन लोगों की पहचान करनी थी कि कितने लोगों को बीपी है और कितने लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है। तो इस हिम सुरक्षा अभियान में हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक 70% पॉपुलेशन हमारी कवर हो गई है और अभी ये जो लास्ट वीक हिम सुरक्षा अभियान का चला हुआ है, तो उम्मीद है इन 7 दिनों में हम और 25-30% की अब कवरेज करके और अपनी 100% जो अचीवमेंट है वो कर लें। आज के दिन तक हमारे ये जो कोविड के लिए हिम सुरक्षा अभियान के तहत कोई 300 सैंपल लिए, इनमें 11 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। टीबी के लिए 400 से ज़्यादा सैंपल लिए हैं और 25 केसेस नए डिटेक्ट हुए हैं टीबी के। और लेप्रोसी के तो अभी सिम्टोमेटिक पेशेंट हमें मिले हैं, लेकिन उनका फाइनल जो डायग्नोसिस है वो जब उनको डॉक्टर के पास चेक कराया जाएगा तभी बता पाएंगे कि इनको लेप्रोसी किसी को है या नहीं है। तो ऐसे 60-70 लोग हमारे सिम्टोमेटिक मिले हैं, लेकिन उनका फाइनल डायग्नोसिस डॉक्टर अपना चेकअप करने के बाद, जांच करने के बाद ही बता पाएगा कि क्या ये लेप्रोसी है या कोई और प्रॉब्लम है। और बीपी और शुगर का डेटा हम इकट्ठा कर रहे हैं, बाद में ये जो लोग बीपी और शुगर के मिलेंगे इनको स्पेशली ध्यान रखा जाएगा कि इनमें अगर किसी में भी कोविड के लक्षण आते हैं तो वो जल्दी से जल्दी अपना टेस्ट कराएं और जो कोरोना से बचने की सावधानियां हैं वो इन लोगों को ज़्यादा लेनी पड़ेंगी और वही हम लोग इनके घरों में जाके बता रहे हैं और आगे भी इन लोगों का ख्याल रखें। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए बिलासपुर से अनूप शर्मा।